सब्सक्राइब कीजिए टेक इंडिया विद पुष्पक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्पक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक इंडिया विद पुष्पक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने मोबाइल में TWRP रिकवरी कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे। दोस्तों, मेरे हाथ में है Zenfone 5G जो कि आप सबका चहेता है, और चलिए हम शुरू करते हैं कि आप इसमें सक्सेसफुली जो है TWRP रिकवरी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। बिल्कुल ही इजी है दोस्तों, आप मेरे स्टेप को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप जरूर समझ पाएंगे। वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, और थोड़ा भी अगर आप स्किप करते हैं तो आप अपने मोबाइल से हाथ धो बैठेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक इंडिया विद पुष्पक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को बूट लोडर में बूट कराना होगा, तो आप सबसे पहले इसको पावर ऑफ कर लीजिए। दोस्तों, ऐसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही पावर ऑफ हो चुका है, तो आप इसको बूट लोडर में बूट कराने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन एक साथ दबा करके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज आएगा बूट लोडर अनलॉक। जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे बूट लोडर आपको अनलॉक करना है, तो ये बिल्कुल अनलॉक हो चुका है और मैं सक्सेसफुली जो है बूट लोडर में फास्ट बूट में बूट होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बूट हो गया है सिस्टम में, तो हम इसको फिर से इसको फास्ट बूट में बूट करेंगे। तो दोस्तों, आपको जब भी TWRP रिकवरी Zenfone 5G में इंस्टॉल करना है तो आपको एक बात ध्यान रखना है। सबसे पहले आप यहां पर अपना स्लॉट देखेंगे, आपका ये एक्टिव स्लॉट जो है ए है या बी है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे वाले में बी है। कैमरा अगर फोकस करेगा तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जी, यहां पर एक्टिव स्लॉट ए, जैसे कि आप देख रहे हैं सिक्योर बूट यस एक्टिव स्लॉट ए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात सबसे इसकी जो है यही है, आपको सबसे पहले देखना है एक्टिव स्लॉट, नहीं तो आप अगर गलत स्लॉट में फ्लैश कर लेंगे तो आपका मोबाइल ये बूट ही नहीं होगा और ये हैंग हो जाएगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक्टिव स्लॉट जैसे कि देखा ए है। तो सबसे पहले आपको कभी भी TWRP रिकवरी इंस्टॉल करना है Zenfone 5G में, तो आप सबसे पहले एक्टिव स्लॉट को चेंज कीजिए। अगर ये ए है तो इसको बी कीजिए, बी है तो इसको ए कीजिए। तो मेरे केस में ये ए है, आप अपना केस देख लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं सिस्टम की तरफ, और सबसे पहले फास्ट बूट जो मैंने आपको फोल्डर दिया था प्लेटफॉर्म टूल वाला, इसमें आ जाइए और फिर से शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करेंगे ओपन कमांड विंडो हियर। इसके बाद अपना मोबाइल को है आप कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर लेंगे फास्ट बूट डिवाइस, यहाँ पर कुछ गलत हो गया कमांड, फास्ट बूट डिवाइस, तो यहाँ पर आपका डिवाइस शो कर देगा। मेरा मोबाइल जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्लॉट को चेंज करना है। जैसे एक्टिव स्लॉट मेरा ए है तो आप इसको बी करेंगे। उसके लिए आपको एक कमांड टाइप करना होगा जो कि मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके लिए आप फास्ट बूट सेट एक्टिव को यहाँ पर कॉपी कीजिए, केवल एक्टिव को कॉपी कीजिए और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका एक्टिव स्लॉट ए है, मेरे केस में तो ए है, तो आप इसको एक स्पेस देकर लिखेंगे बी। अगर आपका ये बी है तो एक स्पेस देकर लिखेंगे ए। तो दोस्तों, मेरा ए है तो इसको लिखेंगे बी। बी करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप देखेंगे ये सक्सेसफुली हो गया है बी में। तो इसको फिर से चेक करने के लिए हम फिर एक कमांड इसमें डालेंगे, फास्ट बूट रिबूट बूट लोडर। फिर से हम इसको बूट लोडर में रिबूट करते हैं। इसके बाद ये मैंने कमांड डाला और इसको एंटर किया, मेरा मोबाइल देखेंगे फिर से रिबूट हो गया। और यहाँ पर अब दोस्तों आप देखेंगे एक्टिव स्लॉट जो है बी हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इसमें TWRP फ्लैश करने। तो फ्लैश करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक फाइल दे दूंगा बूट नाम से, आप इसको डाउनलोड करके और कॉपी करके इसको आपको क्या करना है, ये प्लेटफॉर्म वाले टूल वाला जो फोल्डर है उसके अंदर पेस्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब इसके बाद फिर से आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म वाले ये कमांड लाइन में आएंगे
और फिर से आपको एक कमांड इसमें देना होगा। अगला कमांड हमारा क्या होगा, फास्ट बूट फ्लैश बूट इमेज। इसको यहाँ से आप फिर से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पर पेस्ट करेंगे और फिर से दोस्तों यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो ये आप देखेंगे सक्सेसफुली ये ओके हो गया। आपको दोस्तों चेक करने के लिए कि क्या मेरा वाकई मटेरियल वहाँ पर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आपको क्या करना होगा, यहाँ से बूट करना होगा। जैसे यहाँ पर लिख रहा है, आप यहाँ से ऑप्शन चेंज कर लेंगे अपने मोबाइल का और यहाँ पर रिकवरी मोड जैसे ही आता है आप पावर बटन को है थोड़ा देर आपको USB निकाल देना है और पावर बटन को है थोड़ा सा देर प्रेस करके रखना है जी। तो ये हमारा जो है अब रिकवरी मोड में जा रहा है। तो अच्छा दोस्तों आप वेट करेंगे और आप क्या देखेंगे, ये TWRP रिकवरी सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो गया है आपके जेनफोन 5G में। और यहाँ से दोस्तों आप लोड्स ऑफ थिंग कर सकते हैं, जैसे कि रोम इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने सिस्टम का पूरा बैकअप बना सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों एक बात और है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप TWRP रिकवरी इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो मोबाइल का सारा डाटा जो है ख़त्म होने वाला है, तो आप प्लीज़ अपने मोबाइल का एक बार बैकअप कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ही आप ये प्रोसीजर कीजिएगा। तो यहाँ से आप फिर से यहाँ पे सक्सेसफुली आप रिबूट आपको नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर रिबूट पे जाके पावर ऑफ करना है। पावर ऑफ कर दी उसके बाद फिर से आपको मोबाइल को बूट लोडर में लेकर जाना है। अगर दोस्तों आप रिबूट करेंगे तो आपका मोबाइल बूट नहीं होगा, वो बार बार आपका इसी मोड पे आते रहेगा। तो फिर से अगर आपको सिस्टम में हमें फिर से अगर बूट होना है तो फिर से हमें ये स्लॉट जो है चेंज करना होगा, एक्टिव स्लॉट बी है, फिर से हमें इसको ए करना होगा। फिर हम यहाँ पे USB लगाएंगे, फिर से कनेक्ट करेंगे और फिर से हमारा जो वही कमांड है, इस कमांड को फिर से हम कॉपी करेंगे और फिर से यहाँ पेस्ट करेंगे और ये हमारा अब बी है एक्टिव स्लॉट। तो अब हम इसमें टाइप करेंगे ए और इसको एंटर करेंगे, तो हमारे फिर से स्लॉट चेंज हो गया और फिर से हम यहाँ पर फास्टबूट रिबूट बूट लोडर या फिर फास्टबूट रिबूट कर देंगे, फास्टबूट यहाँ पर रिबूट कर देंगे। दोस्तों आपका जो मोबाइल है सक्सेसफुली बूट हो जाएगा। दोस्तों मुझे आशा होगा कि आपको मेरा वीडियो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अब सक्सेसफुली अपने जेनफोन 5G में TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई अगर परेशानी आ रही है तो आप कमेंट में दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मेरा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर मेरे वीडियो से आपका थोड़ा सा भी अगर हेल्प हुआ है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।